मुमरा बाईपास से गिरा केमिकल से भरा टैंकर, बाल बाल बची लोगों की जान। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर आज एक भयानक हादसा हुआ है। केमिकल से भरा टैंकर मुमरा बाईपास से डिवाइडर तोड़ते हुए नीचे बने मकान की दीवार से टकरा कर रुक गया। ड्राइवर को हादसे में काफी चोट लगी है, जिसे अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। टैंकर नंबर JG06AU7301 ये ठाणे की तरफ से शिलफाटा की तरफ जा रहा था। सुबह 6 से 7 बजे के आसपास में ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और मुमरा बाईपास से बीके भगत कंपाउंड के पास बाईपास से टैंकर सीधा नीचे आ गया। बताया जा रहा है कि टैंकर में केमिकल भरा हुआ है। नीचे गिरते ही स्थानीय लोगों में हाहाकार मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस दमकल कर्मी और आपत्ति व्यवस्थापन की टीम पहुंच गई और ड्राइवर को घायल अवस्था में बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। काफ़ी दिनों से मुमरा बाईपास पर सुरक्षा दीवार की मांग हो रही है, मगर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई जा रही है और आज फिर केमिकल से भरा हुआ टैंकर नौशाद शेख के घर के बगल में गिरा। टैंकर गिरने के वजह से घर की दीवार एक जगह टूट गई है। अगर ये टैंकर सीधा इस घर के ऊपर गिरा होता तो सोचिए क्या हुआ होता, मगर गनीमत रही कि घर के बगल में ये टैंकर गिरा। दीवार का कुछ हिस्सा टूटकर घर में गिरा है, जिसमें इन्वर्टर, मोबाइल फ़ोन और ऐसे कई सामानों को नुकसान हुआ है। नौशाद ने बताया कि घर में बेड पर 2 बच्चे हमेशा रात में सोते थे, मगर किस्मत सही थी कि आज रात में कोई भी बच्चा वहां नहीं सोया। बहरहाल इस घर के किसी भी सदस्य को चोट नहीं लगी है। नौशाद शेख ने घटना पर क्या पूरी जानकारी दी है, सुनिए। क्या नाम है आपका? नौशाद शेख। कितने बजे हादसा हुआ है? ये 7:45 बजे हुआ है। आपके घर पे ही गिरा है, तो आपके यहाँ पर कोई घर में सो रहा था, किसी को लगी होगी है? नहीं, अभी कोई लगा, किसी को लगा नहीं है। हाँ, सरकार से ये मांगे, यहाँ पे हाईवे पे जितने यहाँ पे आसपास के हाईवे आसपास में लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी है, यहाँ पे सुरक्षा दीवार लगाया जावे, बस वही मेरी मांग है। सुरक्षा दीवार जी। क्या क्या आपका नुकसान हुआ है? सर, ये मेरा इन्वर्टर टूट गया है, बच्चों के 4-5 मोबाइल टूट गए, बोर्ड टूट गया है मेरा। हाँ, ये बर्तन वर्तन बहुत टेढ़े हो गए मेरे, सब नए बर्तन रखे हुए थे कबाट के ऊपर, बस यही सब नुकसान हुआ है। पलंग थोड़ा क्रैक हो गया है, पलाई टूट गई इसकी, और कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। वहीं टैंकर में केमिकल होने की वजह से घरों को खाली करा दिया गया है एहतियात के तौर पर, मगर मुमरा बाईपास पर इस तरह का ये कोई पहला हादसा नहीं है। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, मगर शासन प्रशासन सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।